आज का जो सम है वो पिछले दो सम से थोड़ा सा अलग है। इस सम में अलग ये है कि जो पार्टनर्स हैं, जो उनको परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स मिलते हैं, तो उनमें से वो कुछ शेयर्स बेच देते हैं। तो आज के सम में वो कैसे ट्रीटमेंट देना है वो भी हम लोग समझेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, वो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जानू, बासु एंड ध्रुवी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। मतलब तीन पार्टनर्स हैं, जानू, बासु और ध्रुवी, और पीएल रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, दैट इज 5:3:2। द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च, और बैलेंस शीट दी हुई है 2011 की, जहाँ पे कैपिटल दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में कॉपी कर दूंगा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 में तीनों पार्टनर्स के बीच में, लायबिलिटी दी हुई है और कुछ एसेट्स दिए हुए हैं। आगे, ऑन दैट डे दे डिसाइडेड टू सेल देयर बिजनेस टू सपना बासु लिमिटेड। अब जो नई कंपनी जो बनी है, जिसने इस पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया है, वो है सपना बासु लिमिटेड, और सपना बासु जो है वो पूरा बिजनेस खरीद के गई है, लेकिन क्या चीज नहीं लिया है, एक्सेप्ट कैश। ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ऑन दैट डे दे डिसाइडेड टू सेल देयर बिजनेस एक्सेप्ट कैश टू सपना बासु लिमिटेड, द कंपनी टुक ओवर ऑल द फॉलोइंग एसेट्स, और ये सारे एसेट्स लेके गई है। इसका मतलब सारे एसेट्स लेके गई है कंपनी, लेकिन कैश लेके नहीं गई है, याद रखिएगा। तो जब हम लोग नेट एसेट्स बनाएंगे, सारे एसेट्स प्लस करेंगे बुक वैल्यू पे, नहीं मार्केट वैल्यू पे, और लायबिलिटीज में एक ही है क्रेडिटर्स, वो माइनस कर दूंगा क्योंकि उसकी कोई न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है, और हमारा नेट एसेट्स निकल जाएगा। कंपनी इशू 35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। मतलब कंपनी ने ₹10 का शेयर दिया है 20% प्रीमियम पे, तो कितना, ₹12 का शेयर हो गया। मतलब 35,000 शेयर्स दिए हैं ₹12 के हिसाब से कंपनी ने, एंड रेस्ट अमाउंट इन कैश, और बाकी का बचा हुआ कैश में। अब देखते हैं अलग क्या है। ऐसा बोला है, पार्टनर सोल्ड 15,000 शेयर्स, ये जो 35,000 शेयर्स मिले थे पार्टनर को, उसमें से 15,000 शेयर्स पार्टनर ने बेच दिए, क्या भाव में, ₹20 के हिसाब से। मतलब एक शेयर ₹12 का इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹12 के शेयर पार्टनर्स ने बेच दिए हैं, लेकिन सारे शेयर्स नहीं बेचे ऑफकोर्स, 15,000 शेयर्स बेच दिए हैं, कितने भाव में, 20 के भाव में। उसका ट्रीटमेंट कैसे देना है वो भी हम लोग समझेंगे इस सब में। और रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स इन द पीएल रेशियो, जो बाकी के बचे हुए शेयर्स हैं, दैट इज 35,000 में से 15,000 शेयर तो बेच दिए, बचे कितने, 20,000 शेयर्स, एक शेयर है ₹12 का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए पार्टनर्स से, कौन से रेशियो में, पीएल रेशियो में। ये था क्वेश्चन, लेकिन हमको पता ही है सबसे पहला काम तो हमको नेट एसेट्स बनाना पड़ता है। नेट एसेट्स में हम लोग क्या करेंगे, सारे एसेट्स को प्लस करेंगे मार्केट वैल्यू पे, एक्सेप्ट कैश क्योंकि कैश लेके नहीं गया है, और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स को माइनस कर देंगे, तो नेट एसेट बन जाएगा। तो नेट एसेट के लिए मोटर कार की न्यू वैल्यू है 78,000, फर्नीचर है 1,30,000, इन्वेस्टमेंट है 90,000, स्टॉक 87,500, डेटर्स है 93,800, और गुडविल है 1,50,000। तो इन सब को प्लस कर दूंगा, तो देखिए मैंने लिख दिया है ये सारे चीज न्यू वैल्यू पे, तो आ गया है 6,29,300, और इसमें से सिर्फ एक ही चीज माइनस होगी क्रेडिटर्स, क्योंकि लायबिलिटी सिर्फ एक ही है, क्रेडिटर्स है 85,000 क्योंकि उसकी न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ओल्ड वैल्यू ले लिया क्रेडिटर्स का कितना, 85,000, तो क्रेडिटर्स माइनस कर दिया 85,000, 6,29,300 में से 85,000 को माइनस करेंगे, तो नेट एसेट्स आ जाएगा 5,44,300। ये हमारा नेट एसेट्स आ चुका है। ये नेट एसेट्स और कुछ नहीं है, पीसी का टोटल भी है। तो मैंने बना दिया कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और वहां पे टोटल में लिख दिया 5,44,300। अब ये 5,44,300 कंपनी ने दिया कैसे है, हमने पढ़ा था शेयर्स दिए हैं 35,000 ₹12 के हिसाब से, कैश कहाँ लिखा था एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ ही है, कंपनी इशू 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। ₹10 का शेयर है, 20% प्रीमियम है, तो ये आ गया ₹12, कितना, ₹12, 35,000 शेयर्स इंटू 12 कर दूंगा, तो आ जाएगा 4,20,000। तो देखिए इक्विटी शेयर आ गया 4,20,000, 35,000 इंटू 12, और टोटल है 5,44,300, इसमें से 4,20,000 माइनस करूंगा, तो कैश आ जाएगा 124,300। ये कुछ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो अपने आप 124,300 आ गया। ईजी, हमारा पीसी बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, न्यू कंपनी का नाम है जानू बासु लिमिटेड, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल, और चौथा कैश। तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, ये बन गया सपना बासु लिमिटेड, दैट इज न्यू कंपनी का अकाउंट, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश अकाउंट। इजी,
सबसे पहले कैश बैलेंस लिख दूंगा क्योंकि कंपनी जो है वो कैश लेके नहीं गई है, तो कैश बैलेंस कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस 5000 कैश, ये कहाँ से आया, इक्वेशन देखेंगे तो कैश 5000 है, उसको कॉपी कर दिया मैंने, इजी। अब कैपिटल कॉपी कर देता हूँ, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल कॉपी कर दूंगा जानू बासु और ध्रुवी का, जो है 150000, 120000 और 80000, और इधर सेम वे जनरल रिजर्व जो 55000 है उसको भी बांट दूंगा 5:3:2 में। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया बाय बैलेंस 150000, 120000 और 80000, और वैसे ही जनरल रिजर्व को बांट दिया है 5:3:2 में, जो आया 27500, 16500 और 11000। यहाँ तक हमने सब कुछ कॉपी किया है, फ्री के मार्क्स थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स मैं कॉपी कर दूंगा एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश का अकाउंट बना दिया है। तो मोटर कार है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है और डेटर्स है, बुक वैल्यू पे कॉपी कर दूंगा ये वाली वैल्यूज पे, और क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स कॉपी कर दूंगा 85000। तो यहाँ लिख दिया टू सेंड्री एसेट्स, और ये सारे एसेट्स कॉपी कर दिए, टोटल आ गया 4,85,000। और वैसे यहाँ पे लिख दिया बाय सेंड्री लायबिलिटीज, और उसमें एक ही चीज़ थी क्रेडिटर्स, वो भी कॉपी कर दिया 85000। अब ये सारे एसेट्स और ये लायबिलिटी, इसके बदले सिर्फ एक एंट्री होगी जो है नई कंपनी का नाम, तो वो लिख दिया बाय सपना बासु लिमिटेड ब्रैकेट में पीसी। पीसी हमको पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 5,44,300। इन सब की क्रॉस एंट्री एक ही एंट्री के अंदर आ चुकी है, वो है भाई सपना बासु लिमिटेड। जैसे ही नाम आया सपना बासु का, सपना बासु का अकाउंट बनाया हुआ है, ये क्रेडिट साइड पे है सपना बासु, वहाँ जाएगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, नाम आएगा रियलाइजेशन का। तो ये रही सपना बासु का अकाउंट, उसमें डेबिट साइड पे लिख दिया टू रियलाइजेशन 5,44,300। और हमको पता ही है पीसी के अंदर 544,300 के अंदर दो चीज़ें हैं, इक्विटी है 4,20,000 की और कैश है 1,24,300 का। तो यहाँ लिख दिया बाय इक्विटी 4,20,000 और बाय कैश 1,24,300, और सपना बासु लिमिटेड मेरा टैली हो गया। लेकिन जैसे ही कैश का नाम आया, ये है क्रेडिट साइड, तो कैश के अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे, किस नाम से, सपना बासु के नाम से। तो ये रहा कैश अकाउंट, यहाँ लिख दिया टू सपना बासु 1,24,300। अब आप सोचेंगे सर इक्विटी की भी तो एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पे हर सम की तरह यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इस सम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सम में सारे के सारे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वो बाद में देखते हैं, एडजस्टमेंट पड़ेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए अभी 4,20,000 का ट्रीटमेंट देना भी बाकी रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने सारे एसेट्स कॉपी कर दिए, लायबिलिटीज कॉपी कर दिए, उसके बदले न्यू कंपनी का नाम भी लिख दिया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है कंपनी इशूड 35,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 each at 21 प्रीमियम, वो हम कर चुके हैं, रेस्ट अमाउंट इन कैश वो भी हम कर चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से है, पार्टनर सोल्ड 15,000 शेयर्स और रुपीज 20 each, पार्टनर्स ने कुछ शेयर्स बेच दिए, क्या भाव में, 20 के हिसाब से। तो मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग नोट बना के समझा देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में 35,000 शेयर्स थे, एक शेयर था 12 rupees का, क्लियर है। इसमें से पार्टनर्स ने 15,000 शेयर्स कितने रुपए में बेच दिए, 20 के हिसाब से सोल्ड, दैट इज बेच दिए हैं। तो बचे कितने शेयर्स, 20,000 शेयर्स इंटू 12, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कौन से रेशियो में, 5:3:2, दैट इज पीएल रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, ये 15,000 शेयर सेल कर दिए, दैट इज सोल्ड हैं, तो इसके जो पैसे आएंगे, इसका जो मनी आएगा, वो पैसा आया कंपनी के पास, तो वो जाएगा कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में। और एक शेयर था कितने का, 12 rupees का, बेचा कितने में, 20 rupees में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 rupees का प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे। ऐसे कितने शेयर्स हैं, 15,000 शेयर्स हैं, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है 15,000 × 8, ये जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है, दैट इज 15,000 × 8 1,20,000। तो अभी आपको दिख रहा होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स 1,20,000, ये कैसे आया, 15,000 शेयर्स थे, हमने 8 rupees के प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिए, बेचे 20 rupees में थे, पैसा 20 के हिसाब से आया, लेकिन प्रॉफिट कितने के हिसाब हुआ, 8 rupees के हिसाब से। तो जो पैसा आया, तो ये जो पैसा आया 15,000 × 20, वो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। तो देखो कैश अकाउंट में आपको दिख रहा होगा टू सेल ऑफ शेयर्स 3,00,000 रुपये कैसे आया, 15,000 × 20।
लेकिन इस 20 के अंदर 8 रुपए प्रॉफिट भी था, तो वो जो 8 रुपए प्रॉफिट था वो हमने कहां पे डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। तो ये आपको दिख रहा है 15,000 × 8 120,000, सिंपल है। अब जो कितने शेयर्स बच गए हैं, ये रहे 20,000 शेयर्स इंटू 12, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में पार्टनर्स के अंदर। तो ये जो शेयर्स हैं इसके अंदर 35,000 शेयर्स थे, जिसमें से 15,000 हम लोग बेच चुके, तो बचे कितने 20,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है, 12 रुपीस का, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जानू बासु और ध्रुवी के अंदर, कौन से रेशियो में, 5:3:2 में, क्लियर है। तो 20,000 × 12 को 5:3:2 में बांटूंगा तो आ जाएगा 120,000, 72,000 और 48,000, क्लियर है। तो इसका मतलब इसकी एंट्री भी हो चुकी है, कैश की कैश में एंट्री हो चुकी है, सारी एंट्रियां खत्म हो चुकी है। अब हम लोग एक के बाद एक अकाउंट सारे बंद कर सकते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे, इन तीनों का टोटल किया तो आ गया 7,49,300, उसको यहाँ पे भी लिख दिया। जो डिफरेंस आया वो आपका प्रॉफिट है, जो आएगा 2,64,300। ये 2,64,300 को वापिस से 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो आएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जानू बासु और ध्रुवी के नाम से। तो बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1,32,150, 79,290 और 52,860। जैसे ही नाम आया पार्टनर्स कैपिटल का, यहाँ पे है डेबिट पे, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड पे आ गया बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट और कॉपी कर दिया हमने, सिंपल है। अब हमारे दो अकाउंट बंद हो चुके हैं, रियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, सपना बासु बंद हो चुका है, तो हम लोग किसको बंद करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को बंद करेंगे और जो भी डिफरेंस आता है उसको कहाँ डाल देंगे, कैश अकाउंट में। अब टोटलिंग करने गए तो इन तीनों का टोटल किया तो आया 3,09,650, यहाँ पे भी लिख दिया 3,09,650 और उसमें से 1,20,000 माइनस कर दिया तो जो डिफरेंस आया वो आया 1,89,650, उसको लिख दिया टू कैश, जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। इन द सेम वे बासु का अकाउंट भी बंद किया, इनका टोटल आया तो आया 2,15,790, इसको यहाँ पे भी लिख दिया 2,15,790, उसमें 72,000 को माइनस किया तो जो डिफरेंस आया वो आया 1,43,790, जिसको हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं टू कैश बैलेंसिंग फिगर। इन द सेम वे ध्रुवी को भी बंद किया तो ये फिगर आया 95,860 का, जो हमने लिख दिया टू कैश। जैसे ही कैश का नाम आया यहाँ पे है डेबिट साइड पे, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, किस नाम से, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, तो यहाँ लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल जानू बासु ध्रुवी, इन तीनों का लिखा टोटल किया और टोटल आ गया आउटर कॉलम में 4,29,300। टोटलिंग किया, हमारा टोटल मैच हो गया, कैश अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया, मतलब हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को दो बार देख लेते हैं, मुझे पक्का यकीन है आपको सम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।